अपना दुख मत बांटो, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूं। क्या है कि आपको जो भी दुख हो रहा है, आपके मन को जो भी घाव लगा हुआ है, आप दुखी हो गए हैं, उसको बांटने की क्या जरूरत है? उसको क्यों बांटना चाहिए? उसको शेयर क्यों करना चाहिए? शेयर करने से क्या होगा? हमको लगता है कि मैं यदि मेरा दुख लोगों से शेयर करूंगा तो मुझे सहानुभूति मिलेगी, लोग मेरी तरफ दया माया बताएंगे। होता भी ऐसा है कि जब मैं किसी को बात करता हूं, मेरा दुख बताता हूं, तो कुछ लोग बोलते हैं, अरे अरे बहुत बेकार हो गया, बहुत बुरा हो गया आपसे, ऐसा बताते हैं। मगर क्या उनको सच्ची दुख हो रहा है मेरा दुख सुन के? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली क्या होता है, मैं दुखी हो गया हूं यह सुन के या देख के तो लोगों को खुशियां होती है, लोग तो खुश हो जाते हैं, उनको लगता है कि चलो भाई ये दुखी है तो इसलिए अपना दुख किसी को मत बताओ। हाँ, सुख बता सकते हैं आपका। यदि आपको दुख हो रहा है, आपको रोना आ रहा है, अकेले बैठो, जंगल में जाओ, पहाड़ों में जाओ, चिल्लाना है रोना है उतना रो लो अकेले में, मगर बाहर से किसी को आप अपना दुख मत बताओ। आप एक असहाय प्राणी हैं, आप बहुत दुखी है, आप बहुत चिंतित है, किसी को बताने की जरूरत नहीं, लोग इसका फायदा भी उठा सकते हैं। हाँ, आपको सुख है तो डेफिनेटली लोगों के साथ में शेयर करो। दुख जो है वो बांटने से कम होता है ऐसा आपको लगता है, एक्चुअली कुछ कम होता नहीं है। देखो ना, बच्चा कुछ हो गया तो रोता है, वो दुखी हो जाता है, वो चिल्लाता है। अब जब बच्चा रोता है तो उसके माँ बाप उसके तरफ आकर्षित हो जाते हैं और उसके ऊपर प्यार करेंगे, उसकी केयर करेंगे, उसको क्या हो गया देखेंगे। जब बच्चा खेल रहा है तो कोई देखता नहीं उसके तरफ। महिलाओं का भी ऐसी है, काफ़ी महिलाएं, कुछ समाज, मैंने तो इसके ऊपर रिसर्च किया हुआ है स्पेशली, कि कुछ विशिष्ट समाज की महिलाएं ऐसी होती है कि जिनको बहुत दुख होता है, मगर वो क्या करती है, वो लोगों से शेयर भी करती है, दुख दबाकर भी रखती है और वो फिर अपने बॉडी से बाहर आता है। कितने सारे महिलाओं को जो दुख है वो बॉडी में से बाहर आ रहा है, वो लोगों को बताना चाहती है कि देखो मैं कितनी दुखी हूँ, ताकि फिर लोग मेरे ऊपर कुछ एहसान करें, मुझे दया माया बताएंगे, मेरी केयर करेंगे। क्योंकि मैं घर की महिला जब अच्छी रही तो वो काम धाम सवेरे से रात तक करेंगे, जब उसको कुछ दुख है तो फिर उसको बेड पर लेटे रहना पड़ेगा, आराम करेंगे, उसके तरफ लोग आकर्षित होंगे, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर हम उसको बोलते हैं, कि लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींचने के लिए फिर कुछ ना कुछ बीमारी लानी पड़ती है। तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका सुख जो है वो बांटो, लोगों के साथ में सुख शेयर करो, वो डबल हो जाएगा। अच्छे है, आपको बताओ उसमें होता क्या है, जब आप लोगों के साथ में सुख शेयर करेंगे, सुख मतलब जब शेयर करते हैं तो सुख की संभावना शेयर करते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ हैप्पीनेस वो आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं, उसको भी हैप्पीनेस मिल जाएगा। हम तो ऐसा बोलते हैं कि आपका जो व्यक्तिमत्व है वो आपके आजू बाजू वाले जो 5 लोग हैं उसका एवरेज है। यदि आप दुखी है तो आप समझ लो कि आपके आजू बाजू में 5 लोग दुखी है और आप उसका एवरेज दुखी है, तो उसमें क्या आप मत बनो कि आप वो 5 लोग हैं कि जो और छठवें आत्मा को दुखी कर रहे हैं। यदि आप सुखी है, आप अच्छे हैं, आपका व्यक्तिमत्व अच्छा है, डेफिनेटली मैं समझ सकता हूं कि आपके आजू बाजू में 5 लोग अच्छे हैं जिसका एवरेज आप है। तो अपने मन के घाव किसी को मत बताओ, उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है, उससे लोग तो उसका गलत फायदा उठा सकेंगे, फायदा उठाएंगे, आपको कमजोर समझेंगे और आपका फायदा गलत फायदा उठा के आपके ऊपर अन्याय अत्याचार भी कर सकते हैं। आपका सुख बताओ, जो भी अच्छा चल रहा है बताओ, दुख अपने मन में रखो, सुख लोगों को बोलो। ये आप करते हैं, डेफिनेटली आपका लाइफ बहुत हल्का हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारा ऐप है डॉक्टर केकर मनोविकास नाम का, वह आप ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री है, और उसके ऊपर कुछ प्रोग्राम्स है वो भी आप खरीद सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।